नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बीजेपी के समझ से परे हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड अबूझ पहली वाला है। जिसके साथ रहे उसको सत्ता का लाभ मिला, हालांकि सत्ता का मालिक वो खुद बने रहे। 18 साल से कुछ इसी तरह की राजनीति चला रहे हैं, बिल्कुल अपने हिसाब से। फिलहाल लालू यादव के साथ हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को समझ पाना लोगों के लिए एक तरह से नामुमकिन सा होता जा रहा है। वर्तमान में वो RJD, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए बने विपक्षी दलों के मोर्चे के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी सक्रियता और राजनीतिक चहलकदमी ने उनके बहुत पुराने मित्र, बाद में कट्टर राजनीतिक विरोधी और फिर से राजनीतिक मित्र बने लालू यादव तक को सशंकित कर दिया है। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज में उनका पटना से दिल्ली आना और भोज कार्यालय में काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का वाकया हो, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करने का वाकया हो, इन दोनों ही घटनाओं ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर से पारा बदलने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों ही सार्वजनिक रूप से इसे इनकार करते हुए एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन ने भाजपा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से महागठबंधन के साथ हैं और 7 जन्मों में भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि भाजपा का काम भ्रम फैलाना है और वह फैला रही है। एक जमाने में बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके वर्तमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो नीतीश कुमार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें भाजपा का एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। गिरिराज तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। जदयू भाजपा गठबंधन सरकार में लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रह चुके वर्तमान भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। लगातार भाजपा के साथ उनकी वापसी की तमाम खबरों को खारिज भी कर रहे हैं। आपको इस बात की यहाँ पर पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि शीर्ष स्तर पर भाजपा नेता जब भी बिहार आते हैं तो अपने कैडर और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए नीतीश कुमार पर हमला जरूर बोलते हैं, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को NDA गठबंधन का चेहरा बनाने के बाद जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था, बयानबाजी का ये दौर तब भी खूब चला था। लेकिन इसके कुछ ही वर्षों बाद नीतीश कुमार जब 2017 में फिर से भाजपा के साथ आए तो पार्टी नेताओं ने हाथों हाथ उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि ज्यादा विधायकों की संख्या के आधार पर लालू यादव भी इस बार JDU की सीटों में कटौती कर सकते हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में RJD को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाया था।